हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कम्पिटिटिव मैथ्स में। आज इस वीडियो में राम सिंह यादव का जो प्रैक्टिस सेट पेपर 13 है उसे कवर करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 36 से, जो गणित के प्रश्न है वो 36 नंबर से स्टार्ट होते हैं। आपको सवालों का सलूशन बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आप सेकेंडों में एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप केवल मैथड देखिएगा इसके तरीके सवालों को सॉल्व करने के, और साथ ही साथ मैं शॉर्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा, इसके साथ ही अपलोड करूंगा तो आप लोगों को उसको भी लगाते जाना है। 50 वीडियो मैं शॉर्ट पेपर की बना दूंगा 10-10 क्वेश्चन के, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गणित का और साथ ही साथ रीजनिंग का। तो देखते हैं इसका 30 नंबर क्वेश्चन, समझते हैं क्या कहता है। 36 नंबर है, 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो इसके 200 और 300 के बीच कितने नंबर है इसको देखिएगा सॉल्व करने के लिए। इसे हमेशा एक बढ़ा दिया जाता है और इसे एक घटा दिया जाता है, एक कम कर दिया जाता है। इसके बाद 201 में 13 से भाग कर देंगे माइनस 299 में 13 से भाग कर देंगे। अब देखते हैं कितना मिलता है। तो पूर्णांक पूर्णांक इसका निकाल लेंगे, 13 एकम 13 यहाँ भी भाग जाएगा, 13 एकम 13 फिर 7 71 हुआ, तो 13 बचे 65। पूर्णांक में निकालना, दशमलव नहीं निकालना इसको। 13 एकम 13 13 2 26 3 फिर 3 हुआ तो 39, 13 3 39 तब 23 में 15 माइनस कर देंगे, मतलब ये घटाएंगे तो 8 संख्याएं होगी, ये आंसर हो जाएगा, 15 8 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। 3 के पहले 5 गुणकों का औसत होगा, तो 3 के पहले 5 गुणक, तो जब इसका हल करेंगे सोल्यूशन, तो 3 के जो 5 गुणक है वो लिखते हैं। 5 गुणक कौन कौन है, 5 गुणक, तो पहला तो 3 ही होगा, दूसरा 6, 3 का पहाड़ा, इस तरह करके पांचवा डायरेक्ट लिख देंगे 3 बचे 15। तो फर्स्ट और लास्ट देख लेना है बस, फर्स्ट और लास्ट। तो इसमें औसत जब निकालना हो, अंतर समान है इसमें, 3-3 का अंतर है, तो इस तरह की श्रेणी का अंतर निकालना है, तो 3 और 15 यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके तो उसे भाग कर दिया जाता है बस। तो यहाँ आ जाएगा 15 3 18 भागे जब 2 करेंगे तो 2 9 18 9 आएगा इसका औसत 3 और 15 का, कुल लाकर के ऐसे लगाते हैं, मतलब फर्स्ट लास्ट को ले लेंगे क्योंकि अंतर समान है, जब अंतर समान हो तो फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 फार्मूला होता है औसत का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, 30 25 27 25.29 35 38 28 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका निकालना है। तो पहले इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 29 30 35 38, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में जैसे लिखना हो। अब बीच के देख लेंगे तो 8 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ बराबर 8 आंकड़े, तो बीच के आएंगे, देखिएगा 3 यहाँ के छोड़ देंगे और 3 अंतिम के छोड़ देंगे, तो बीच के फंसेंगे कौन से, 28 और 29। तो यहाँ पर आंकड़ों की जब माध्यिका निकालना होगा इन आंकड़ों की, तो माध्यिका के लिए इन दोनों को जोड़ के 28 और 29 अब भागे 2 कर दिया जाता है, उत्तर आ जाता है, बीच के पद को जोड़ देते हैं। यदि 9 पद होते तो बीच में ये जो 4 इधर के 4 इधर के छोड़ के बीच वाला एक पद देते, यदि 9 होते यहीं पर, तो यदि सम है, सम पद है, तो बीच के 2 आ जाएंगे। अब 20 20 40 8 9 17 मतलब 57 भागे 2 करेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 2 4 फिर 17 हुआ, 2 8 16 और 10.5 मतलब इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 28.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसका अगला जो कह रहा है, अगला समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12 रुपया है, तो उसी मूलधन उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसी मूलधन। तो पहले तो मूलधन को पता करें, मूलधन क्या होगा, तो मूलधन का सूत्र होता है, ये आप लोगों को आता है मूलधन का सूत्र, कि ब्याज गुणे 100 साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये फार्मूला लगा करके मूलधन निकाल लेंगे। तो ब्याज कितना प्राप्त होता है 1200 गुणे 100 बटे दर और समय, तो दर दिया है 5% समय 3, तो 5 गुणे हो जाएगा 3। अब इसको काट देंगे 3 एकम 3 यहाँ कट जाएगा, 3 4 12 0 0 5 एकम 5 5 8 40 ये 0, तो 8000 मूलधन कितना आ जाएगा काटने के बाद, मूलधन आ जाएगा 8000 रुपया। अब वही दर और वही समय मूलधन इतना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना होगा, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट CI निकालेंगे, अमाउंट बराबर होता है, सूत्र आप लोगों को पता है कि P × 1 + R / 100 की घात n, लेकिन इस फार्मूले में नहीं लिखेंगे, इसको
डायरेक्ट निकाल लेते हैं अमाउंट 8000 इंटू देखिएगा इंटू 5% बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। 100 × 5 करेंगे 105/100, ये तीन बार बता देंगे 105/100 अगुणे 105/100। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन, आराम से देखिएगा इसको, यहाँ पर देखिएगा अमाउंट निकालते हैं इसी तरह। अब यहाँ कुछ नहीं करना, 5 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 20/100, यहाँ 5 से काटेंगे गाइस, यहाँ भी 5 से काट दीजिए 20, इधर 5 से काट दीजिए 10, 5 एक बार, यहाँ 5 होगी 10 और 0 मतलब 20, यहाँ 21। अब यहाँ 0 0 0 3 कैंसिल, तो यहाँ से 0 0 0 कैंसिल, 2 × 4 × 8 ये 8, तो 8 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, मतलब सब कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 21 21 21, तो यहाँ पर 21 का घन होता है 9261। 21 का क्यूब कितना होता है, जब तीन बार 21 × 21 × 21 करेंगे तो 9261 आएगा। तो अमाउंट कितनी आ गई, ये जो अमाउंट है मिश्र धन आ गया 9261। अब सी आई कितना आएगा, तो सी आई बराबर सूत्र होता है माइनस पी, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ गई 9261 माइनस पी यानी मूल धन है 8000, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1261 रुपए। ये इस तरह लगाएंगे इस सवाल को, पहले तो मूल धन निकाल लेंगे, मूल धन निकालने के बाद अमाउंट निकालना है सूत्र से, अमाउंट जैसे निकल आएगा मिश्र धन, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे ए माइनस पी, सी आई बराबर होता है माइनस पी, लेकिन मूलधन पहले निकालेंगे कि वो मूलधन कितना था, फिर उसी मूलधन पर उसी समय और उसी दर पर उपरोक्त दर उस समय में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64000 है जिसमें 10% वार्षिक की दर होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन होता है, 64000 अभी वर्तमान में दे रहा है और बाद की पूछ रहा है, तो सीधे सीधे लगा देंगे 64000 इंटू, अब यहाँ 10% बढ़ रहा है वार्षिक, तो तीन बार बढ़ाएंगे 3 वर्ष का है तो 110 हो जाएगा, फिर उन्हें 10% बढ़ा तो 110/100, फिर यहाँ भी 110% हो जाएगा 100/100, तो वैल्यू आ जाएगी। इसको आप देखते हैं कितना कटेगा, पहले 0 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 2 3 0 तो 1 2 3 0 कैंसिल, 11 का घन पता है 1331 होता है, तो 64 × अब यहाँ 1331 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 85184, जब आपस गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 85184, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब देखिए एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है, तो देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं, पहले क्रय मूल्य रख लेंगे जैसा दिया है, मतलब यहाँ क्रय मूल्य को सीपी क्या लिख सकते हैं, सीपी दिया है 750 और एसपी कितना दिया है, एसपी लिख देंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 900, एसपी 900, कम में खरीद के अधिक में बेच रहा, प्रॉफिट हुआ कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी फार्मूला रख देंगे इसमें, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू, तो प्रॉफिट हो गया 900 और माइनस 750 करेंगे तो 150 का प्रॉफिट हो गया 150 का, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल देंगे क्योंकि प्रतिशत लाभ लाभ प्रतिशत, तो परसेंट प्रॉफिट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना 750 इंटू 100 मतलब 100, 0 0 कैंसिल, 15 × 75 15 × 15 = 75, 5 × 5 = 5 × 10 यानी कुल मिलाकर के 20% का प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का होगा 20%, सीपी 750 क्रय मूल्य 750 विक्रय मूल्य 900, तो लाभ हो जाएगा क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र में रख दीजिए 150 रुपए का, तो फिर लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य नीचे यहाँ आएगा 100 निकाल दीजिए, गोले का आयतन कितना होता है उसका डायरेक्ट सूत्र लिख दीजिए, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 πr³, गोले के उसे सभी सूत्र आने चाहिए πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका 43 नंबर क्वेश्चन, x² + 5x + 6 की गुणनखंड करना है, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पर क्या दिया है x² + 5x + 6, बीच वाले पद को दो पदों में बांटिए 5x को, 5 को ऐसे दो पद में बांटिए, गुणा करने पर कितना है 6 × 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 6 का गुणा करेंगे 6, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5, तो देखिएगा x² + 3x + 2x, इसको जब डिवाइड करेंगे दो पार्ट में प्लस 6 ही रहेगा, देख लेते हैं यहाँ कामन क्या है फर्स्ट दो पदों में, तो x कामन है देख रहे हैं दोनों से, तो यहाँ x बचेगा प्लस कितना 3, और इन दोनों से क्या कामन लेंगे 2 कामन लेंगे तो उतना आ जाएगा, x बचेगा यहाँ 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, मतलब कहने का कि एक गुणनखंड कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा ये जो दोनों में है, और एक गुणनखंड बना देगा बाहर वाली संख्या को ये दूसरा गुणनखंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, गुणनखंड निकालना था। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियां 89 रुपए में खरीदी, तो यहाँ पर एडिक नियम का सवाल है, ये कह रहा है कि
20 प्रतियां कितने में, 20 प्रतियां खरीदी कितने रुपए में, 89 रुपए में। यानी 20 पुस्तकों की लागत कितनी, 89। तो एक की लागत, यदि एक की लागत देखें तो कितनी हो जाएगी, एक की लागत निकाल लेंगे तो 89 बटे कितना हो जाएगा, 20 बटे में जाएगा। तो 36 की पूछ रहा है, 36 पुस्तकों की, तो 36 की लागत निकालना तो गुणा कर देंगे 89 बटे 20, गुणे कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ काट देंगे 2 से, तो 2 दहम 20, 2 एकम 2, 2 से काट यहाँ 18 है। अब कुछ नहीं करना है, इसका सीधा सीधा 10 से फिर भाग कर देंगे, 18 नहीं 162, 2 हासिल 16, 18 144 और 10 154, 6 160, मतलब यहाँ आएगा 160। अब भारी कितना रहेगा, अभी यहाँ पर भाग कितने कर देंगे 10 का, 10 का भाग इजी होगा, इजी होगा क्योंकि 0 हटाओ दशमलव लगाओ, मतलब 160.2 और 0 लगा देंगे इतने रुपए, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय कितना है, समय 2 वर्ष है, दर 4% और 10,000 रुपए। तो पहले अमाउंट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट, अमाउंट निकालना है तो सीधा सीधा निकाल देंगे 10,000 गुणे, अब 2 वर्ष है, 4% है, तो 4% मतलब 104/100, और 2 बार गुणा कर देना है 104/100, तो 10,004 कैंसिल, यहाँ से 0,0 कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जब ये आपस में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 10,816, जब आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 10,816, गुणा कर लीजिएगा 104 का, तो ये तो अमाउंट हो गया। अब सी आई बराबर होता है ए माइनस पी, फार्मूला होता है, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ए की वैल्यू अमाउंट की है 10,816 और माइनस प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो वैल्यू बचेगी 10,816 में, जब 10,000 घटाएंगे तो 816 रुपए बचेगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। सी आई इस तरह निकाल देते हैं, तो सी आई बाद निकालेंगे, पहले अमाउंट निकाल देंगे सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50, 46, 47, 48.5, 50.5, 52, 48.8, 46 संख्याओं की मालिका, अब मालिका के लिए बढ़ते क्रम में पहले लिख लेते हैं इनको स्टार्टिंग में, अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद 20 के मान उठा लेना है 20 के, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पद है, तो ये शुरू के 3 पद छोड़ देंगे और लास्ट के 3 पद छोड़ देंगे, तो 20 के मान बचेंगे और यही 20 उठा लेंगे, जब 8 पद है, 9 पद होते तो 4 और 4 छोड़ के बीच वाला 5वां आता, तो यहाँ दोनों पद उठा के हम माध्यिका बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं, माध्यिका बराबर होता है 48.5 / 48.8 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग कर देंगे 2 का, तो इसका जोड़ आ जाएगा 97.3, जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 97.3, भाग कर देंगे कितने का 2 का, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ से काट दीजिए 2 एकम 2, यहाँ देखिएगा 2 चौके 8 17, तो 2 8 16, फिर 1 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 1 बचेगा, 2 5 10, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 48.65, माध्यिका होगा इस संख्या को, माध्यिका आ जाएगी 48.65, ऐसे लगाना है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका देखिएगा 47 नंबर, ए एक काम को 24 दिन में करता है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखिए टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क होता है, टेबल यहाँ से बना लीजिएगा एक टेबल, और टेबल बना लेंगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, अलग अलग, और ये दोनों मिलके पूछे तो ए प्लस बी, बस सोल्यूशन आ जाएगा। देखिएगा ए एक काम को 24 दिन में करता है, ये आ गया यहाँ 24 दिन, और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो यदि ए की स्पीड 100 तो 60% अधिक है तो ये बन जाएगा 160, स्पीड आ गई, अब यहाँ पर काट देंगे 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 8 16, ये स्पीड आ गई दोनों की 5 और 8, तो यहाँ पर स्पीड 5 है और ये टाइम है, तो दोनों को गुणा कर दिया जाए तो टोटल वर्क किससे मिल जाएगा, 24 5 120, टोटल वर्क आ गया 120। अब बी की स्पीड 8 है तो कितना दिन लगेगा, तो 120 में 8 से भाग कर दीजिए, क्योंकि टोटल वर्क अपान क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, मतलब 120 भागे 8 कर देंगे तो इसको 15 दिन लगेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 15 दिन। आगे कुछ निकालना नहीं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अगला देखते हैं, अगला इसका सवाल देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 48। एक मैदान जिसकी लंबाई 90 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है, इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो मान लीजिए सपोज ये मैदान है और इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है 90 मीटर लंबाई है और 60 मीटर चौड़ाई है, समझिएगा
इसके बाहर साइड 3 मीटर चौड़ाई सड़क बना है, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है इस सड़क, और ये सड़क का ही क्षेत्रफल निकालना है। इस सड़क का ये 3 मीटर जो चौड़ा सड़क है तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सड़क यानी रास्ते का क्षेत्रफल सूत्र होता है बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। डायरेक्ट रास्ते के क्षेत्रफल का फार्मूला मैं कई वीडियो में बताया हूँ, क्यू ए इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस टू ए, बस इसी में रख दीजिए। ए का मान दिया है कितना है 3 मीटर, मतलब यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है 3, और बाकी लंबाई चौड़ाई दे ही रखा है। तो रख दीजिए वैल्यू 2 × 3, और ब्रैकेट में आ जाएगा लंबाई 90 है प्लस चौड़ाई 60 है प्लस 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए कितनी आ जाती है, सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 3 = 6 और यहाँ 90 × 9 = 15 150 और 156, तो मतलब 6 × कितना हो जाएगा 156। तो 6 × 156 कर दीजिए, मतलब 6 × जब 156 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 × 6 करेंगे 36, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 33, 8 × 3 = 6, 6 × 6 = 3 = 9, 9 = 36 मीटर स्क्वायर होगा रास्ते का क्षेत्रफल, यही इसका आंसर होगा। इस तरह लगा देना है, सूत्र मेरा देना है, बस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रिक्त स्थानों के सही नंबर भरना है, तो ये 2 का क्यूब है, दिख रहा है कि 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 3 × 9 = 27, ये 4 का घन है, 4 × 16 = 64, ये 5 का घन है 125, ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, तो आगे आ जाएगा 8 का घन, 8 का घन कितना होता है 512, मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 512, ये 8 का घन होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 36, 96, 64 का वर्गमूल होता है, तो इसमें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 36, 96, 64 भाग बीच से निकालेंगे इसका वर्गमूल। अब भाग बीच से वर्गमूल निकालने का तरीका होता है कि लास्ट से अंतिम से इधर से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, इस साइड से 2-2 के जोड़े बना लिए। पहला जोड़ा 36 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग बताएंगे जो 36 से ज्यादा हो, 6, 6 का वर्ग 36 है होता है, 6 तीन जगह रखेंगे और 36 वर्ग होता है इधर रख देंगे, यहाँ घटाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, तो 6 कितना हो गया इधर 12 और 36 में 36 घटाएंगे 0 हो गया, ये 96 यहाँ उतार लेना। अब भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ 1 भी रख देंगे तो 121 बन जाएगा, यहाँ 96 ये तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 रखेंगे यहाँ, 0 यहाँ, और 0 यहाँ भी है, 0 इधर भी जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जब यहाँ जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, और यहाँ 96 ही घटाएंगे 96 कराएंगे, ये 64 हो गया। अब 12 का पहाड़ पढ़े कि 96 से ज्यादा हो तो 12 × 96 = 8, 8 बार 11 है, तो 8 यहाँ रख देंगे और 8 यहाँ रख देंगे और 8 यहाँ भी रख देंगे, 1208 का जब 8 बार 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 × 64, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ जोड़ देना है, तो यहाँ इससे मतलब नहीं, हमारा वर्गमूल कितना आ गया 608, इसका उत्तर हो जाएगा 608। तो लगभग ये वाला पार्ट कवर हो गया ये प्रैक्टिस सेट पेपर, अब मैं जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, और मैं सॉल्व पेपर भी थोड़ा सा आप लोग इसके बाद सॉल्व पेपर आपको मिलने लगेगा, तो सॉल्व पेपर में जो शॉर्टकट मेथड है उनको आप देखिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व जो आर्मी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके जो सॉल्व पेपर मैं अपलोड करूंगा उसके मेथड बहुत ही शॉर्टकट रहेंगे, मतलब आप विद इन सेकेंडों में लगाएंगे, इनसे भी शॉर्टकट मेथड आपको सॉल्व पेपर में मिलेगा जब आर्मी के मैं सॉल्व पेपर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं जल्दी जस्ट इसके बाद मुझे अपलोड करना है, ये 13 और 14 पार्ट जैसे हो गया प्रैक्टिस सेट पेपर 13 और 14, तो मैं इसके बाद शॉर्ट पेपर चालू कर दूंगा अपलोड करना। तो इस पार्ट में इतना ही होगा।